हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। मैं राजवीर सर आज फिर से आपकी क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर लेके आ गया हूँ। और हमारी आज की क्लास ये सेकेंड क्लास होगी इस चैप्टर की। हम लोग अपनी आज की क्लास करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट और इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इस चैप्टर से अभी ओम्स लॉ वगैरह बचेगा तो हम लोग उस चीज़ को बाद में देख लेंगे। यहाँ तक जो चीज़ें हमारे कवर की हैं पिछली क्लास और आज की क्लास दोनों को मिला करके जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देन फिर हम लोग आगे को मूव करेंगे और बड़े ही अच्छे से हम लोग ओम्स लॉ और उसके बाद हमारा जो भी चीज़ें आती हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, प्रतिरोध जिसे कहते हैं वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम हमारा संयोजन और हमारा समांतर क्रम संयोजन, तो वो चीज़ें हम लोग बड़े अच्छे से करेंगे। वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल के बेस से और वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये आप समझ के चलिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका अब चल रहा है, ठीक है। और अब जो वैकेंसी आपकी जो है आरपीएफ की भी आ गई है तो सभी लोग जुड़ जाएं और कमेंट करते रहें, क्लास को पूरा देखें, टाइम नहीं है तो ना देखें क्योंकि उससे हमारी क्लास और आगे नहीं जा पाती है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखें और लाइक जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी मेहनत करता रहूं और बहुत ही एक यूनिक आपको जो है जो हमारा कंटेंट बोलेंगे वो आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब जो है हमारे पास देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं और वैकेंसी है हमारे पास, अब कमी नहीं रहेगी, वैकेंसी एक के बाद एक हमको देखने को मिलती रहेगी। तो बिल्कुल अब आपको तैयारी करना है और कोई भी जो है निगेटिव थिंकिंग, कोई भी निगेटिव आइडिया, कोई विचार हमें मन में नहीं लाना है। नौकरी जरूर मिलेगी, आप जो है ना कम वैकेंसी की वजह से थोड़ा परेशान हो जाते हो। अरे जब हमने मन में ठान लिया है कि हमें नौकरी लेनी है तो नौकरी लेनी है और नौकरी मिल के रहेगी, ये बात आप लिख के ले लें, कोई भी लिख ले कि अगर आपने सब कुछ सोच लिया है, ठान लिया है कि हाँ नौकरी लेनी है तो नौकरी मिलेगी, 10 बार मिलेगी, ठीक है। अरे जब ठान लिया तो ठान लिया, अब जो होना है वो हो, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, नौकरी तो मिलती ही मिलेगी, मिलने ही मिलने वाली, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितनी नौकरी नहीं मिलेगी, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। अब चाहे बर्बाद हो चाहे आबाद हो, बस ठान लिया। चलिए तो हम लोग जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग अपने चार्ज की बात कर चुके थे कि चार्ज हमारा आवेश क्या होता है और आवेश कैसे बनता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इसका मात्रक होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम इसका मात्रक होता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा होगा क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी पढ़ा था कि अगर किसी भी हमारी ऑब्जेक्ट पर एन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या उससे एन इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर इतना चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एनई मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं तो दो टू ई हो जाएगा, टू और ई की वैल्यू होती 1.6 × 10⁻¹⁹ 19 कूलाम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे गए हैं इलेक्ट्रॉन, उस चीज से चले गए हैं किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन तो प्लस आएगा यहाँ पर इतना चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाने वाला। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन किस चार्ज के बराबर उस पर चार्ज आ जाएगा। यहीं पर अगर इसने चार्ज इस पर कहीं दूसरी मेटल से आए होते तो इस पर -2e, मतलब कि इस पर जो है इलेक्ट्रॉन आए हैं और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर माइनस का इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज हमारी हो जाएगी, ये हमारा फार्मूला आप समझ गए होंगे, एन क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन गया है या कितना इलेक्ट्रॉन आया है, और ई क्या है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई होप बात समझ गए होंगे इतनी, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने अपना
बात की थी पोटेंशियल की, पोटेंशियल जिसको हम विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ठीक है, सिर्फ पी लिख देंगे हम लोग। तो इसको हमने वी से लिखा है और फार्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। किसी भी चार्ज को लाने में, पर यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ता है, इनफाइनाइट से हम लोग बहुत दूर से किसी चार्ज को लाते हैं तो पर यूनिट चार्ज के हिसाब से हमें कितना काम करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, या फिर विभव कहते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू सॉरी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी फार्मूला के हिसाब से देखिए, आप मैं आपको बार बार बताता हूँ कि फार्मूले के हिसाब से मात्रक निकालना सीख लीजिए, और आप आई होप आप सीख भी चुके होंगे जो हमारी क्लास को रेगुलर लेते हैं। तो वर्क का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जो काम होता है उसका जूल होता है, और चार्ज का क्या, कूलाम। तो जूल पर कूलाम को आप जे सी की पावर माइनस वन भी लिख सकते हो, और इसी जूल पर कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और ऐसे हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि वोल्ट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आप कहेंगे जूल पर कूलाम के इक्विवेलेंट कौन है, जूल वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्वल है, जूल पर कूलाम के, या जे सी इनवर्स के इक्वल कौन है, वोल्ट है, ऐसे आपसे पूछ लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जिसे कहते हैं, विभवांतर जिसे हम लोग कहते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सीखा था कि कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, जब हमने कोई चार्ज पार्टिकल को कहीं पर रख दिया है, इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारे चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें अगर हम दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वो जो है इंट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, किसी फोर्स को अनुभव करता है, ठीक है। तो जी फील्ड हमारा बन जाएगा इसके चारों ओर, जैसे दूर जाएंगे फील्ड हमारा बी कुत्ता चला जाएगा, फिर वो जो फील्ड हमारा है वो बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम फील्ड की बात यहाँ पे करें, हाँ ठीक है, फील्ड में ही हम क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी हम चार्ज को मूव कराते हैं, तो पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना काम करना पड़ रहा है, उस काम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या यूं समझ लो डिफरेंस मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये है, यहाँ पे पहले चार्ज था फिर आप यहाँ पे ले आए हो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसे बी बी लिख लेंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल है उसे बी ए लिख लेंगे, और इसमें जो डिफरेंस है ना इसको ए बी भी लिख सकते हैं, और बी 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 माइनस बी ए ऐसे हम लोग, और हाँ बस इतना रखेंगे ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। जनरली फार्मूला इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो W अपॉन Q ही होगा, ठीक है। मात्रक दोनों के कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो इसमें आपको कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक सही है, इतना हम पढ़ा चुके थे। दोनों का मात्रक क्या है, वोल्ट दोनों का मात्रक, बाकी तो सब ठीक है, एक जैसा है इनका, ठीक है। और दोनों ही हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दोनों अदिश राशियां हैं, या हम इसको स्केलर कहेंगे, अदिश राशियां, ठीक है, अदिश राशियां दोनों ही हमारी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ तक बिल्कुल आपको चीजें क्लियर हो, और आप रोज की रोज चीजों को एकदम क्लियर करते चले, मात्रक इनके यूनिट जो होते हैं, फार्मूला जो होते हैं उनको बिल्कुल मेरे साथ साथ याद करते चले, तो आपको आगे की चीजें बहुत ही अच्छी से, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो इतना काम आपको करना है कि मेरे साथ साथ आपको यूनिट और फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद करते चलना है, जिससे कि हमें आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो हमें बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। देखिए विद्युत धारा है क्या, जनरली हम लोग इसका मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज का फ्लो होना, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो समझ जाइए कि हमारी जो है वहां पे विद्युत धारा है या करंट वहां फ्लो हो रही है। तो चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम के हिसाब से, देखिए अगर साइंस की डेफिनेशन की हम बात करें तो चार्ज
का जो फ्लो है पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। जनरली हम ये समझ सकते हैं कि चार्ज का फ्लो होना ही हमारा विद्युत धारा है या करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो जब हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत आता है, तो उस समय क्या है कि चार्ज हमारा आता है और वो चार्ज जो है जब हमारे घरों में ट्रांसफॉर्मर से लाइट निकल के आती है तो कुछ ज़्यादा आता है। और जिस समय हमारी लाइट जो है बड़े बड़े पावर हाउस से जब आती है घर के पास आएगी तो उस समय हमारा वोल्टेज ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जब घर में आती है तो वो हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है बाहर वो वोल्टेज को डाउन करके करंट को बढ़ा देता है। वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को डाउन कर देता है, करंट को बढ़ा देता है। तो ये भी बात आप ध्यान मतलब समझ लें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम साइंटिफिक रूप से ऐसे पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, करंट को जनरली हम आई से लिखते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई दोनों से लिख सकते हैं, क्यू अपान टी चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब इतना चार्ज है फिर टाइम से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आ जाएगा कि जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज के फ्लो होने की रेट भी कह सकते हैं, जो करंट क्या है चार्ज के फ्लो होने की रेट है, दर है। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसे लिखा है कि हमारी जो विद्युत धारा चार्ज के फ्लो होने की एक रेट है, एक दर है, तो बात वो सही है। और ये बार बार चीजें मैं इसलिए बताता हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे भी कोई सी डेफिनेशन काम में आ सकती है। ठीक, तो मेरी बात को समझिए, इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा सा। हाँ, अब यहां से अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात कर लें, हम आई के यूनिट की बात कर लें, तो देखिए चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड होता है। तो कूलाम पर सेकेंड इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर क्या कहेंगे हम लोग, एम्पियर बोलेंगे, और कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है इस एम्पियर को। ठीक है, एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड किसी को दिक्कत हो अगर इंग्लिश में तो वो बता दें। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड ये इसका यूनिट हो गया। और अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया इसके डेफिनेशन की फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। इकाई समय में प्रवाहित होने, प्रवाहित मतलब फ्लो, चार्ज चलने वाला, प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा, या फिर आवेश के प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश यानी स्केलर राशि है, क्वांटिटी है। ठीक, अब विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा, डायरेक्शन जिसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब है कि कन्वेंशनल से मतलब साइन के हिसाब से हमेशा हम लोग देखेंगे। पहले तो हम ये बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, इनको हमने ऐसे लिख दिया,
इधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है इधर को जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर है, ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर को होगी, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में करंट की दिशा होगी, यह हमारी धारा की दिशा होगी, ये दिख रहा है, सही है। इधर को क्या होगी, या इधर मैं लिख दूं, इलेक्ट्रॉन अगर उधर जा रहे हैं तो करंट इधर को होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी डायरेक्शन ऑफ करंट की, तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट की दिशा इधर मानी जाएगी, ये बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने या इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। अगर कोई बैटरी लगी है या स्नेल लगी है तो हम लोग डायरेक्शन को कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्शन हमारी करंट किधर से किधर को जा रही है, अगर उस सर्किट में दिखाया नहीं गया। सर्किट क्या है, एक रास्ता होता है जिसमें जो है हमारी कई बोलेंगे अप्लाई जुड़े रहते हैं, सेल हो सकती है, बैटरी हो सकती है, बल्ब हो सकता है, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारा कोई हमने अप्लाइंस लगा दिया तो वही एक रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसे हमने उसमें टीवी लगा दी, स्पीकर लगा दिया उसी सर्किट में, तो वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, बल्ब भी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा सर्किट में। तो हम लोग क्या कहें कि जैसे ये हमारी कोई बैटरी जुड़ी हुई है किसी सर्किट में, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस को हम लोग क्या करते हैं सिंबलिक फॉर्म में बड़ा बना देते हैं लाइन, ठीक है, और छोटी लाइन को नेगेटिव को शो करवाती है। यहाँ पर हमने कोई की लगा रखी है, ठीक है, और ये की यहाँ लगी है, यहाँ हमारी बैटरी, तो जाहिर सी बात इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, और ऊपर सर्किट में हम लोगों ने एक यहाँ पर क्या है अपना जो है बल्ब को ही ऐड कर रखा है, इसमें जो है अटैच कर रखा है। अब ये बल्ब अगर हमारा ये की जो है दबी हुई है, क्लोज्ड है, इसे दबी हुई को यहाँ पे क्लोज्ड बोलते हैं, तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, लाइट निकलने लगेगी, और करंट इसमें किधर से किधर को फ्लो हो रही होगी, मतलब हो रही होगी, तो हमेशा क्या करेंगे प्लस से दूर और माइनस की ओर, ऐसे करके प्लस से दूर होती रहेगी उधर माइनस की ओर आती रहेगी, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोले जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की उल्टी डायरेक्शन में हमारी करंट की दिशा, करंट की दिशा होती है। इतना आप बिल्कुल समझ जाए, सब चीज मैंने यहाँ पे करंट के बारे में बताई हुई है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे जो हमारा एक वर्ड मैं यूज किया हूँ सर्किट, तो आई होप अभी लोग कुछ लोग समझ चुके होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं दोबारा से समझा दूँ सर्किट क्या है। इसको हम परिपथ बोलते हैं, सर्किट हिंदी में कहते हैं परिपथ। तो सर्किट क्या है, हमारा एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जो बैटरी या सेल के दोनों एंड से निकलता हुआ और उसमें कुछ चीज़ें और शामिल होती हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, या कोई और हमारी डिवाइस उसमें जुड़ी होती है, की लगी होती है, अब मीटर लगा हो सकता है, वोल्ट मीटर लगा हो सकता है, कम से कम आपकी बैटरी या सेल में से एक चीज़, एक रेजिस्टेंस जिसमें बल्ब वगैरह जुड़ा होगा और एक की होगी उसको चालू बंद करने के लिए। तो सर्किट एक इन सब चीज़ों को जोड़ने वाला एक रास्ता होता है, और जुड़े किसके द्वारा होते हैं, एक हमारे कनेक्टिंग वायर्स, वायर ये तार से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम इस सर्किट को यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये हमारी एक सेल है। सेल और बैटरी में आप डिफरेंस समझते हैं, अगर समझते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, हाँ सर हम समझते थे, आपके कमेंट हमें क्या करेंगे क्लास को जो है और सुधारने में हमारी हेल्प होगी। अगर आप कमेंट करेंगे बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इतना आपको नॉलेज है,
तो वो चीज हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, हमारी सेल है एक बड़ी लाइन प्लस को बताती है और छोटी लाइन माइनस को बताती है। अब इससे हमने क्या किया, ये इसके दो टर्मिनल हो गए, सिरे हो गए। हमने एक की लगा रखी है, हालांकि की आप कहीं पर लगा सकते हो, जनरली हम प्लस की ओर लगाते हैं। ये की है, ये कर जी, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो ये ओपन की बोली जाएगी, ओपन स्विच बोल सकते हो या ओपन की बोल लो, खुली हुई। और इसके आगे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक अमीटर लगा रखा, तो उसे इस तरीके से दिखा देते हैं और जो करंट को नापेगा कितनी करंट जा रही है। और इधर हमने क्या लगा रखा है, एक बल्ब को ऐड कर रखा है। प्लस से दूर माइनस की ओर ऐसे हमारी आ जाएगी, तो इस पूरी चीज को हम लोग सर्किट बोलेंगे। अगर हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया तो जी हमारा क्लोज सर्किट है और बल्ब जो है ग्लो करना चालू हो जाएगा। क्लोज सर्किट से मतलब कि ये आपस में जुड़ गई ये वायर, ठीक है। ओपन का मतलब कि इनके बीच में गैप है, तो बल्ब फिर बंद हो जाएगा ओपन। तो ये भी आप समझ लें ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है, ठीक है। इस की जगह पे हम लोग ऐसी भी की लगाते हैं इस तरीके से, इस तरीके जी, हम पॉइंट वन या पॉइंट टू कह रहे हैं। अब ये अलग अलग हैं दोनों, तो जी ओपन सर्किट है। और जैसे ही हमने इनको ऐसे वन और टू को मिला रखा तो जी हमारा क्लोज हो गया, क्लोज यानी बंद, क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है। ऐसे में बल्ब आपका फिर ग्लो कर देगा। तो जो स्विच या फिर की होती है, स्विच भी बोलते हैं इसको, उसको हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ गए आप। अब हम लोग बात यहाँ पे कर लें कि सेल बीएस बैटरी दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए। देखिए, सेल हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, बैटरी बन जाती है। तो बैटरी हमारी क्या है, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल को मिलाने से बैटरी बनती है। और ये भी क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो ये ध्यान रखें कि जिसमें कई सारे सेल होंगे, और ये तो सेल ही हमारा सिंगल, एक सेल जब समझते हो कि सिंगल यूनिट है बैटरी की, ठीक है। चलिए, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम लोग क्या करें कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, तो वो हम लोग पहले सारे सिंबल को अच्छे से समझ लें, कौन सा सिंबल क्या बताता है, और वहां से भी आपका जो है एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलिए, बहुत ही जरूरी चीजें हैं, हम क्या करें सिंबल या इलेक्ट्रिक सिंबल्स लिख लो। इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इनको हम चिन्ह बोलते हैं, सबसे पहले अगर हमने ये बड़ी लाइन छोटी लाइन दिखा रखी है तो ये सेल हो गई, क्या हो गई, सेल हो गई। उसके बाद अगर हमने यहां पर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन और फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, तो इसको बोलेंगे हम बैटरी। ऐसी कई और आगे बढ़ सकता है एक बैटरी, इसमें दो सेल लगे हुए, ठीक है, ये इधर प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैटरी बोलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग कनेक्टिंग जो वायर होता है उसको तो लाइन से ही दिखाते हैं। ध्यान दें कि अगर इस वायर में ऐसे बना हुआ है तो ये क्या है, एक दूसरा वायर इसमें ज्वाइंट हुआ है, ठीक।
वाई ज्वाइंट बोलेंगे इसको, ठीक है, बात समझ में आ रही। उसके बाद अगर यही वायर है और हमने इसमें क्या किया, इस तरीके से ऐसे करते हुए ऐसे दिखा रहे, थोड़ा और सही से बनाते हैं इसको। इसका मतलब कि दो वायर क्रॉस हो रहे हैं बट विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्टिंग, संपर्क में नहीं है। यहाँ का मतलब ये है इसका कि जो जो तार जो है क्रॉस कर रहे हैं, वो दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि क्रॉसिंग वायर है, क्रॉस करते हुए वायर है, क्रॉसिंग वायर विदाउट कांटेक्ट। क्या लिखेंगे? विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में किए हुए क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, ये ठीक है, ऐसे ही आपने सिंबल देखा होगा, हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे। तो ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। क्या है ये? फिक्स रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग बताए भी हैं, नहीं तो आप पूरी क्लास लेते रहिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा रेजिस्टेंस को। अभी तो आप मान लो कि क्या फिक्स रेजिस्टेंस है, और अगर हमने इसको यूं बनाया ऐसे, और इसमें क्या कर दिया, ऐसे एक एरो का साइन लगा दिया, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, वो हमारा वेरिएबल बोला जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल से मतलब है कि बदलने से, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर लिख भी सकते हो वेरिएबल से मतलब क्या है, ठीक है, वो आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। इसको एक और नाम दिया जाता है, RSEO ST AT, इसको रोस्टेड बोलते हैं, रोस्टेड, ठीक। और इसको कभी कभी बोला जाता है धारा नियंत्रक। क्या बोला जाता है? धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक मतलब करंट कंट्रोलर, करंट को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हमारा प्रतिरोध या हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे करंट कम होगी, और जैसे रेजिस्टेंस कम होगा वैसे करंट ज्यादा होगी, तो इससे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए रोस्टेड को हम धारा नियंत्रक भी कहते हैं, ठीक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में डिफरेंस समझिए। ऐसा पूछा जाता है कि एक हमारा रोस्टेड और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रोस्टेड हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये एक फिक्स रेजिस्टेंस है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एम्पियर मीटर को अगर हम लोग देखें, तो एम्पियर मीटर होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट को मीजर करती है, करंट को मीजर करने का काम करेगी। ऐसे ही आपका वोल्ट मीटर होता है, वो पोटेंशियल को मीजर करने का काम करेगा, प्लस माइनस। ऐसे ही आपका एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी करंट को मीजर करने का काम करेगा। आप कहेंगे सर कि जी भी करंट मेजर करता है आई को, जे भी आई को मेजर करेगा, और जी आपका वोल्टेज को मेजर करता है, तो इन दोनों में भी डिफरेंस क्या रह गया? अभी गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर कर रहा है, उधर हमारा जो है अमीटर भी करंट को मेजर कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये वेरी फ्यू वेरी हम बोलेंगे कि क्वांटिटी में बहुत ही कम जो होती है करंट, और फॉर लिटिल टाइम के लिए जो करंट होती है उनको भी मीजर कर सकता है, नाप सकता है, ये वो काम नहीं कर सकता है। अगर जरा भी समय के लिए करंट आई है तो ये बता देगा कि हाँ इस सर्किट में, इस जगह पे करंट फ्लो हुई है, इस सर्किट में मतलब करंट फ्लो हुई है, तुरंत रिफ्लेक्शन शो करेगा। ये बड़ा ही सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक।
तो गैल्वेनोमीटर का काम ये है कि क्षण भर के लिए अगर करंट हमारी फ्लो हुई है सर्किट में तो उसको डिटेक्ट करना, उसको पता लगाना, ये इसका काम है। वैसे हमारा रेगुलर करंट को मापने के लिए हमारा अमीटर काम आएगा। तो ये क्या है, क्षणिक या हम इंस्टेंटेनियस करंट को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ हमारे सिंबल हैं जिनको मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने की को नहीं दिखाया है, की को नहीं दिखाया है, और कोई चीज बल्ब को और दिखा दें, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है। तो की के लिए हम देखते हैं कि हमने अभी बताया था कि दो तरीके से की दिखाई जा सकती है, एक तो ये इनको जोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा ओपन की, या फिर ओपन की को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे कोई डॉट नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से या इस तरीके से, ये ओपन की है, ओपन की या ओपन स्विच, स्विच भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, ऐसे या फिर ऐसे। बंद वाले को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो वो हम लोग जो है अपना, चलो यहाँ दिखा दें या यहीं पे थोड़ा छोटा सा देख लें। बंद वाले में ये जो चीज थी और ये चीज थी दोनों मिल जाएंगी, इसे वन टू अगर बोले तो दोनों मिल जाएंगे, या फिर ये वाला जो है इसमें डॉट लगा दो तो ये वाली चीज बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड की, क्लोज्ड की या फिर क्लोज्ड स्विच बोलेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम लोग बात करें तो बल्ब को यहाँ पर कैसे दिखाया जाता है, बल्ब को जो है सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से दिखाया जाता है, या फिर कभी कभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो है हम ऐसे भी दिखा देते हैं। इस तरीके से भी इसको दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब को, और करके ये हमारे मेन मेन सिंबल हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में या जब भी हम अपना साइंस पढ़ेंगे वहाँ पे ये यूज होते रहेंगे। तो आई होप अब हम लोग जो है इन चीज़ों को समझ चुके होंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आज की वीडियो की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है बिल्कुल इसको लाइक करें, और हम लोग अब इसके बाद जो है न्यूमेरिकल लेके आएंगे इसी टॉपिक पे जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दें, उनकी भी हेल्प हो सके, और बिल्कुल आप बताएं कमेंट करके कि जो है आपको क्लास कैसी लगी और आप और क्या चाहते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर हम लोग ऐसी क्लास में, तब तक के लिए बाय।